भागलपुर नगर के विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर शहर में जिला प्रशासन द्वारा संचालित बाढ़ राहत शिविरों यथा हवाई अड्डा, TNB कॉलेज, तिल्हा कोटी आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाढ़ पीड़ितों ने विधायक को अपनी परेशानी बताई और कहा कि उन्हें जिला प्रशासन से अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, यहाँ तक कि पशुओं को पर्याप्त चारा भी नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर पीड़ितों ने मुआवजे दिए जाने की भी मांग की। विधायक ने उन्हें अपनी ओर से हर संभव सहायता दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष पार्षद संजय कुमार सिन्हा, नगर अध्यक्ष सोइन अंसारी और नवीन कुमार सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सन्मार्ग के लिए भागलपुर से रविंद्र कुमार के साथ प्रवीण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सब जगह कॉमन दो ही चीज का, मवेशी को चारा एक दिन मिला है अभी तक और इनको काफी रखते हैं। जहाँ तक लोगों को खाने का सवाल है तो भात, चावल और दाल और सब्जी मिल रहा है। लोगों कहना है कि चावल दोनों टाइम खाते खाते तो एक टाइम कम से कम पूड़ी उड़ी कुछ मिलना चाहिए। मैं PM से आग्रह करूँगा, प्रशासन से उसका इंतजाम करें। चारा जो नहीं मिल रहा मौसी का, बहुत बड़ी समस्या है, वह भी मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग तो जब बाढ़ आया तो सभी लोग गांव छोड़ छोड़ के भाग गए। अब इनका कहना है कि मेरा जो फसल सारा नुकसान हो गया, सब नुकसान हो गया, जाएंगे जब वापस तो इनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। न तो फसल है उनके खाने के लिए, न घर में कुछ बचा है। इसलिए इनका आग्रह है कि सरकार से आप बात करिए कि साहब, जो हम घर वापस जब जाएंगे बाढ़ घटने के बाद, तो हम लोग के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे प्रशासन के द्वारा मोटा मोटी कहें तो जो सिस्टमेटिक नहीं था, आज से सिस्टमेटिक हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया है कि भागलपुर और बांका जिला में बाढ़ बहुत काफ़ी है, इसलिए हमको लगता है कि जब मुख्यमंत्री संज्ञान में बात लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।